brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं नहीं सोच रहा था कि पटना में टर्किश आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन दिखाइए भाई अपना जलवा और देख लीजिए नेताजी आप भी वो कीजिएगा, पकड़ने में जद्दोजहद हम लोगों को करना होगा। यू वांट टू ड्रॉप करो। अरे ये तो बंदर बना रहा है भाई, ऐसा ना हो कि वोटर भी यही हाल करे, वो दिखाता रहे अपना वोट और दे ना वोट, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई 4 जून को। ये विश्वास मेरा बिहार की जनता पे, पता चले वोटर भी बोल रहा है कि मैं दे रहा हूँ वोट, फिर दिया नहीं एंड में। पक्का इस बार वाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई। कहीं वोटर भी तो नेता का यही हाल नहीं कर देंगे? नहीं नहीं, इस बार बिहार में जो है ना बीजेपी का पूरा था, बीजेपी क्यों परेशान किया भाई? ये तो मेरा टेक्निकल था। उसने भी बस नेताजी को ही आइसक्रीम खिलाई, खिलाई नहीं मुझे आइसक्रीम। अरे भाई हम भी पसीने में है ऐसे बताइए। अरे आप नेता का ही बंदर बना रहे हो, मेरे को का बंदर बना रहे हो? अरे दे दिया, शुक्र है, मेरे को लगा देगा ही नहीं। आज की तारीख में आप लोग जागरूक हो गए। गॉन आर द डेज जब जात पात धर्म मजहब के नाम पर आपको बांट दिया जाता था, आप लोगों के साथ बंटवारे की राजनीति कर दी जाती थी, बट अब नहीं, अब लोग समझ गए। एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी 3.0 को, मोदी 2.0 और मोदी की जो पहली सरकार थी उसमें आप क्या फर्क पाते हैं? आई थिंक जितनी विकास की और गरीब कल्याण की योजनाएं हम लोगों ने शुरू की हैं उसको और मजबूती मिलेगी। मैं मानता हूं 2047 तक प्रधानमंत्री जी की एक अहम भूमिका 3.0 में रहेगी। आप ये बात मानते हैं कि ये चुनाव शायद जो पिछले दो इलेक्शन थे उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10 साल में लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ तो एक एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे बन जाती है जो नजर आने लगती है। सो राहुल भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एंटी इनकम्बेंसी मैं भी मानता था कि शायद होनी चाहिए, बट जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, आपको बल्कि प्रो कम्बेंसी। वो लाभार्थी, आई जस्ट टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन दिस, आप मुझे बताइए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बना, गांव में की महिला के लिए बहुत बड़ी बात है, वो किसके साथ जाएगी? जिनको उज्ज्वला से गैस कनेक्शन मिला वो किनका साथ देंगे? वो परिवार जो आज से पहले घर पे बीमारी आती थी अपनी जमीन गिरवी रखवाता था, महिलाएं गहने बेचती थी, आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा रहा है, वो किनका साथ देंगे? हम लोगों ने तो बयान वो भी सुने कि दिल्ली से पैसा चलता था गांव तक कितना पहुंचता था, ऐसे में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके खाते में पैसा आ रहा है, लाभार्थी किसका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? या तो विपक्ष फिर इतना स्ट्रांग होता, आप मुझे बताइए विपक्ष कहाँ है? मैं बिहार की बात करता हूँ भाई, मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार क्यों आ रहे हैं, बट आप मुझे बताइए विपक्ष के नेता आ क्यों नहीं रहे भैया? राहुल जी, मुझे फिर वो प्रधानमंत्री जी वाला याद आया, कौन राहुल? तो ऐसे में बड़े मीम बन रहे हैं खतरनाक हो गया। तो ऐसे में राहुल जी ने एक बार बस आना जरूरी समझा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार आना जरूरी समझा, एक डेढ़ दल मिलके पूरा कैंपेन कर रहे हैं, तेजस्वी बहुत कैंपेन कर रहे हैं, 10-12 ऐसे में पीठ खराब टूटी हुई है फिर भी इतनी कैंपेन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले तो जल्दी स्वस्थ हो, एथलीट है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहती है जिंदगी में, स्वस्थ रहें।